पढ़ने में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है, मोटिवेशनल वीडियो का असर 5 मिनट से ज्यादा रहता ही नहीं। तो 12 से 25 साल की युवा उम्र है जिसमें या तो जिंदगी निखर सकती है या तो जिंदगी बिखर सकती है। दोस्तों तुम आज अपने आप पर एक क्वेश्चन करो कि तुमको जिंदगी में क्या करना है और तुम पढ़ क्यों रहे हो, क्या जरूरत है पढ़ने की, जिंदगी में क्या करोगे, कब तक अपने माँ बाप के देह टुकड़े पर पलोगे, कब तक। एक बात हमेशा याद रखना कि राजा बनने के लिए भिखारी बनना पड़ता है। आप लोग पढ़ने का मन तो बनाते हैं लेकिन कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा, सोमवार को पढ़ूंगा, कब तक कल करोगे। एक दिन वह भी आएगा जब तुम मरने वाले होगे, क्या उस दिन भी तुम कल करोगे। एक बार जरा उन लोगों की तरफ भी देख लेना जो तुमसे सारी उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता की, कितनी सारी उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं जो आपके लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं और आप 10 मिनट के लिए पढ़ने तक तैयार नहीं है। आज ये सोच लो जिंदगी में क्या करना, वरना तो तुम्हारी जिंदगी सुख सोच रही है। तुम्हारा क्या करना है, अपनी जिंदगी में से उन सारी चीजों को हटा दो जिनका तुम्हारे गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। तुम पढ़ाई में कमजोर हो कोई बात नहीं, लोग कहते हैं कि पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है, और मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी कोशिश करते तो अगर तूने 10 मिनट भी पढ़ लिया तेरे अंदर वह भी फीलिंग आएगी जो तुझे आने वाले 2 घंटे में मजबूर कर देगी। तू जरा कोशिश तो कर। कबीर दास की कविता आज उतना ही मोटिवेशन देती है जितना संदीप महेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर की वीडियो देती है। कहते हैं कि किसी ने पूछा चिड़िया से कि इतना ज्यादा आशियाना कैसे बनाया, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता। लोग अपनी तकदीर को नया मोड़ देते हैं, जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। ये असफलता एक चुनौती, से स्वीकार करो या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल न हो तीन चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो, ये बिना जय जयकार नहीं हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। तो ऐसा मोटिवेशन का सोर्स ढूंढो, 1000 वजह है कि तुम नहीं पढ़ सकते, कोई एक वजह तो ढूंढ लो जो तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। अपनी औकात के लिए पढ़ लो यार, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए पढ़ लो यार, अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो, उनकी उम्मीद हो तुम। हमें अपनी जिंदगी को जीना है ना कि जिंदगी को काटना है। दोस्त हर एक की जिंदगी में ऐसा सपना जरूर होता है जिसके लिए जीने मरने के लिए तैयार हो जाता है, और मुझे नहीं पता कि मैं ये सपने देखता हूँ यही नहीं देखते, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि लाखों वीडियो को छोड़कर मेरा वीडियो देख रहे हो, आपके अंदर कुछ न कुछ जरूर खास बात होगी, आपके अंदर जरूर न कुछ छोटा सा बीज होगा जो आगे जाकर पेड़ बनने वाला है। झूठ ही सही लेकिन इस बात को ध्यान से सुनना और दिल में बिठा लेना, झूठ सी सही मगर इस बात को सच मान लेना। अगर तुमने सच मान लिया तो एक न एक दिन तुम बड़ा आदमी बन जाओगे। मुझे नहीं पता कि आप कौन हो जो ये मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हो। आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करोगे, ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज ही शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए और लेकिन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी आग लगा दिया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।